क्या हाल है एवरीवन? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगी तीन चीज़ों पर। एक है हिमानी का मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, एक है हिमानी का फेशियल स्क्रब और एक डॉक्टर रेशल की वाइटनिंग क्लिनजर। अच्छा, हिमानी के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, उसका मुझे कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई ऐसा ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। फेस वॉश जो ऑलिव एक्सट्रैक्ट के साथ है, ये फॉर ड्राई स्किन है। मेरी स्किन ड्राई हो जाती है सम टाइम्स, स्पेशली विंटर्स में तो मेरी बहुत प्रॉब्लम होती है ड्राई स्किन की। लेकिन मैंने ये यूज़ किया है, मुझे कोई इसका ऐसा ख़ास इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है। बस ये जब जैसे स्किन को फ्रेशन अप कर दी। मानी का जो फेशियल स्क्रब है, ये जो है ना, इट स्मेल्स रियली वेरी गुड। बहुत प्यारी स्मेल है इसकी। इसका भी रिज़ल्ट अगर फेस वॉश से अगर कंपेयर किया जाए, अच्छा है इसका, लेकिन बेस्ट नहीं है। अच्छा है इसका रिज़ल्ट ना, और मतलब कि स्किन को थोड़ा सा बूस्टअप कर देता है, फ्रेश हो जाती है स्किन। इससे इसके जो स्क्रब में जो ग्रैन्यूल्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट ग्रैन्यूल्स हैं, बहुत बारीक हैं ग्रैन्यूल्स, स्किन को ऐसा हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा है ये वाला। अच्छा, जो डॉक्टर रेशल का जो क्लिनज़र है, वाइटनिंग क्लिनज़र, ये बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अगर क्लिनज़र्स में अभी तक आप बात करें तो डॉक्टर रेशल का वाइटनिंग क्लिनज़र इज़ द बेस्ट क्लिनज़र आई हैव एवर यूज्ड। ये इतना वाइटनिंग इफेक्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देता है स्किन को, ग्लोइंग कर देता है। और सबसे अच्छी बात ये, जो आपके स्किन पर जो स्पॉट्स वगैरह, उनको भी फेड कर देता है ये। डॉक्टर रेशल का जो वाइटनिंग क्लिनज़र अभी तक के बेस्ट है। और इसका मैंने टोनर भी यूज़ किया, टोनर के कोई ख़ास इतना अच्छा रिज़ल्ट मैंने नहीं पाया डॉक्टर रेशल का। ये जो डॉक्टर रेशल का जो वाइटनिंग क्लिनज़र है ना, इसमें अच्छी बात ये है, एक तो ये एज अ मेकअप रिमूवर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपके फेस पर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको भी बहुत फेड कर देता है ये, अगर आप इसको डेली यूज़ करें नाइट में। सही है, आपकी स्किन को बहुत क्लियर कर देता है, क्लीन कर देता है। बहुत अच्छा क्लिनज़र है डॉक्टर रेशल का ये वाइटनिंग क्लिनज़र। हिमानी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, पर इतने आपके एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतरेंगे पूरे, बनिस्बत डॉक्टर रेशल के। सोप और इसका क्लिनज़र भी ठीक है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका भी नहीं है, मतलब अप टू मार्क जिसे कहते हैं ना, 100 out of 100, वो रिज़ल्ट नहीं मिला है। ये वाला आप यूज़ कर मुझे ज़रूर बताइएगा। माय चुन्नी इज़ डिस्टर्बिंग मी अ लॉट। चलो, ये होता है जिसके घर में चुन्नू मुन्नू होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर। इन्जॉय करना चाहिए इस चीज़ को भी। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, और आप लोगों को किसी और चीज़ के बारे में रिव्यू चाहिए हो तो डू लेट मी नो, मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी रिव्यूज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।